हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। सो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 12 जनरल साइंस का पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं यूपीएससी के ही। ओके, तो 11 लेक्चर्स अराउंड 55 क्वेश्चंस कर चुके हैं। दिस विल बी लेक्चर नंबर 12। प्रोसेस वही रहेगा, पांच ही क्वेश्चंस देखेंगे इसके अंदर भी, लेकिन डिटेल में समझेंगे। और आपको एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी इस लेक्चर के थ्रू कि ऐसे कई क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन का सैंपल मैंने यहाँ पर लिया है जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इन सम एग्जाम ऑफ CISF और CDS का हमने डिस्कस किया था, आई डोंट रिमेंबर। उसमें से एक क्वेश्चन जो है एज इट इज़ सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन आपका NDA वाला जो एग्ज़ाम जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी पूछा गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने पिछले 5-6 साल के UPSC के ये जनरल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ईजिली आपका जनरल साइंस वाला जो पार्ट है वो प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आए थे 2017 में EPFO में। एंड डेफिनेटली अगर आप CDS, NDA, CAPF जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए रहेंगे। ऑलमोस्ट सारी NCERT आपकी कवर हो जाएगी इनसे अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कर लेते हो, वही हमारा टारगेट है। ठीक है, सपोर्ट के लिए कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो 9041244689 पर, या फिर मेल कर सकते हो sikshit@gmail.com पर। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आज के लेक्चर का है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से समझने की भी कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मटेरियल जो है एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ऑप्शंस में आपको क्या क्या गिवन है, आपको डायमंड गिवन है, ग्रेफीन गिवन है, फ्लाई ऐश गिवन है, फ्यूलरीन गिवन है। ठीक है, अब देखो एलोट्रॉप बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आ गए। जैसे अगर आप कार्बन के वेरियस एलोट्रॉप को देखोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उनके कुछ ना कुछ चेंज होंगे, लेकिन जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनमें सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेंगी। ओके, तो इनमें से कौन सा जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, सीधा सा सवाल है। डायमंड तो देखो आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि आपको पता है डायमंड तो बचपन से पढ़ रहे हो, ग्रेफीन को भी एलिमिनेट कर दोगे। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होंगे फ्लाई ऐश में और फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लाई ऐश में आपको होगा कि सर ये भी बर्नट है तो कार्बन तो इसमें होता है तो कार्बन का एलोट्रॉप होता होगा, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और जनरली ऑप्शन डी जो है वो बच्चों ने सुना नहीं होता इसके बारे में, तो लेकिन NCERT पढ़ी होगी तो बिल्कुल आराम से सुना हुआ होगा। ठीक है, आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश जो है ये एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं। सो द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, ग्रेफीन दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है। डायमंड अगर आप देखोगे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ग्रेफीन देखोगे वो बहुत सॉफ्ट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस इनमें आ जाता है। Both diamond and graphite are formed by carbon atoms. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded. ठीक है, अब अगर आप diamond देखोगे तो diamond में क्या होता है, carbon atom, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms. हर carbon atom 4 दूसरे carbon atoms के साथ bonded होगा, forming a rigid 3-dimensional structure. तो 3D structure, 3-dimensional structure form होता है। ये सारी की सारी जो points है, अभी मैं आपको shapes भी दिखाऊंगा जो इनकी bondage की shapes होती हैं, graphite की, diamond की, fluorine की, तीनों की मैं आपको shapes भी दिखाऊंगा। तो ये भी idea होना चाहिए, वो statement based question में पूछ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर वो बना करके पूछ लेगा, अगर आप यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बना करके दिखाऊं, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड। ठीक है, डायमंड की प्रॉपर्टी आप बताएं। ठीक है, अब डायमंड की प्रॉपर्टी में एक स्टेटमेंट वो डाल देगा कि ये एलोट्रॉप है कार्बन का। ठीक है, एलोट्रॉप है कार्बन का। दूसरा आपको स्टेटमेंट वो डाल देगा कि इन दिस एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर, या फिर लिख देगा विद 3 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट लिख देगा कि 3D 3-dimensional स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, 3-dimensional स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये 3 स्टेटमेंट्स दे देगा, उसके बाद आपको लिख देगा कि सिंथेटिक कार्बन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल कार्बन। ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट, आप इजीली उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो नेचुरल कार्बन को और सिंथेटिक कार्बन को, तो इस तरह का सवाल पूछ लेगा। तो स्टेटमेंट डी जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट डी जो है वो इनकरेक्ट है, अभी मैं दिखाऊंगा सिंथेटिक कार्बन के बारे में, सिंथेटिक डायमंड के बारे में भी। ओके, सो डायमंड में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स, ये याद में रखना है, फॉर्मिंग अ रिजिड 3-dimensional स्ट्रक्चर। ऑलराइट, चलिए
अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, डायमंड के केस में 4 और ग्रेफाइट के केस में 3, याद रखना है इसको, ठीक है। और ये एक हेक्सागोनल एरे बनाता है, हेक्सागोनल शेप में आता है, अभी शेप देखेंगे, ओके। अब देखो आपको हो गया कि सर इससे कार्बन की वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, जिसको नहीं पता वैलेंसी वगैरह का क्या फंडा है अभी उसमें इतना मत घुसो। तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 4 चाहिए अपने को, तो यहाँ पर एक जो दो कार्बन होंगे उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो अपने आप वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। हाल फिलहाल आपने क्या याद रखना है कि डायमंड के केस में एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है और रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनेगा। ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होता है और एक हेक्सागोनल शेप बनेगी, ओके। नाउ दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्टिंग डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इनमें देखने को मिलेंगी, हालांकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं। अब अगर आप डायमंड को देखो, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन ग्रेफाइट जाना जाता है स्मूदनेस के लिए और स्लिपरीनेस के लिए अपनी, ठीक है। ग्रेफाइट की एक और प्रॉपर्टी है दैट इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल होते हुए भी इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होते हैं मेटल और नॉन मेटल की, तो हम उसमें देखते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर उसके अंदर एक्सेप्शन आ जाता है ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड, अब डायमंड को आप सिंथेसाइज भी कर सकते हो, नेचुरल डायमंड्स तो होते ही हैं, आप सिंथेटिक डायमंड्स, मैनमेड डायमंड्स भी फॉर्म कर सकते हो। वो कैसे होगा, प्योर कार्बन को अगर आप हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में रखोगे देन यू कैन सिंथेसाइज डायमंड। अब जो सिंथेटिक डायमंड होते हैं उनमें और नेचुरल डायमंड में डिफरेंस क्या होता है, बस कि सिंथेटिक डायमंड्स छोटे होते हैं, नेचुरल डायमंड्स तो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन आप इतने बड़े जो नेचुरल डायमंड्स कहीं बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े डायमंड्स आप नहीं बना सकते सिंथेटिक में, ठीक है। तो सिंथेटिक डायमंड्स जो होंगे वो साइज में छोटे होंगे, उसके अलावा तो उनमें क्या कोई डिफरेंस नहीं होगा, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये सिंथेटिक डायमंड है या नेचुरल डायमंड है, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने क्या फॉर्म किया था, दोबारा से अगर क्वेश्चन के ऊपर लेकर जाऊं, क्वेश्चन मैंने कहा था कि डायमंड का कौन सा प्रॉपर्टी इनकरेक्ट है, कि भाई एलोट्रॉप है कार्बन का, कार्बन विद 3 अदर, अच्छा ये वाला बी स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है इसमें, ठीक है, बी स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि कार्बन जो है वो एक कार्बन एटम 4 के साथ बॉन्ड कर रहा है, 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड कर रहा है, तो बी भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो मेन यहां पर फंडा समझने की कोशिश करो, आपको ये देखना है कि पेपर में एग्जामिनेशन में ये सवाल तो हमने कर लिया, इसको रट लिया हमने, चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने रट लिया, वेबसाइट पे बहुत सारी वेबसाइट्स पे सॉल्व्ड क्वेश्चंस ये मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे देंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, फ्लाई ऐश इज नॉट अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड ग्रेफीन एंड फ्यूलरीन आर, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन तो आ चुका ना, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, लेकिन इस क्वेश्चन की थ्योरी में से डिराइव करके दूसरा क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, और अपने को उसी चीज के लिए तैयार होना, ठीक है। अपने को ये थोड़ी मतलब है कि सिर्फ हमने इसको रट्टा लगा लिया कि फ्लाई ऐश है, अगर उसने कुछ और डाल दिया तो क्या करेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं, अब देखो ये शेप्स देखो, पहले तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आ गया हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्या होता है, 3 एंड्स होते हैं हेक्सागोनल में। डायमंड का 3D स्ट्रक्चर आ गया जैसा हमने देखा, और ये आपका C60 या जिसको आप फ्लोरीन भी कहते हैं, ओके। सो फ्लोरीन्स फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स, द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज C60 which has कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल, एक फुटबॉल की शेप में। अब देखो यहां पर भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है, यहां पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, सेम तरह का क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फ्लोरीन्स, ओके। तो स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। समय देखो, टाइम लेकर के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं, टाइम के ऊपर हम ये नहीं जाएंगे कि सर 5 क्वेश्चन करने में आपने 25 मिनट लगा दिए, फलाना बंदा तो 25 मिनट में 50 क्वेश्चन करा देता है, तो वो देखो पढ़ने का तरीका अलग अलग है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। अगर आप इसके साथ सेटिस्फाइड रहोगे तो आप देखोगे आपको रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलेगा 50 क्वेश्चन करने से ज़्यादा, ठीक है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी मैं दे दूंगा कि फर्स्ट आइडेंटिफाइड फ्लोरीन वॉज C60, ठीक है, C60 पहला आइडेंटिफाइड फ्लोरीन था। थर्ड स्टेटमेंट मैं दे दूंगा इट इज इन द शेप ऑफ अ हेक्सागनल,
ये एक हेक्सागोनल शेप में है, ठीक है जी। और डी स्टेटमेंट में क्या दे दूंगा, डी स्टेटमेंट में दे दूंगा इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, ठीक है। अब मैंने ये चार स्टेटमेंट दे दी एबीसीडी, इनमें से इनकरेक्ट बताना है आपको, ठीक है जी। एलोट्रॉप है कार्बन का, C60 पहला था, हेक्सागोनल शेप में नहीं है, किसकी शेप में है, फुटबॉल की शेप में है। और किसके नाम पर इसको नेम किया गया है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इसका डिजाइन है, इस एलोट्रॉप का जो इसका स्ट्रक्चर है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो एलिमेंट स्ट्रक्चर है, वो एक जियोडेसिक डोम है जिसको डिजाइन किया था यूएस के एक आर्किटेक्ट ने, बकमिंस्टर फुलर ने, जो ये डिजाइन आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इसीलिए इसका नाम जो है फ्लोरीन रख दिया। ओके, तो ये चीजें इस तरह से क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकते हैं आगे के पेपर्स में, आगे के एग्जाम्स में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ईपीएफओ, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सिविल सर्विसेज में भी, जनरल साइंस सिलेबस में तो है आपके, ठीक है। हाल फिलहाल ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं काफी सालों से, पर फिर भी तैयार रहना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन, उसमें टोमेटो नहीं था, उसमें कोई और नेचुरल एलिमेंट था, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि टोमेटो में कौन सा आपको एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, ठीक है। सेम टेबल मैंने आपको पहले भी दिखाया था, सेम टेबल मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। तो आप उस टाइम पर भी मैंने कहा था कि हर एलिमेंट का आपसे एसिड पूछा जा सकता है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर इसका क्या है, ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। पहले भी मैंने आपको ये टेबल दिखाया था, नेचुरल सोर्स और एसिड कौन से हैं, विनेगर, ऑरेंज, टेमरिंड, टोमेटो। विनेगर में एसिटिक एसिड है, ऑरेंज में सिट्रिक है, टेमरिंड में टार्ट्रिक है, पहले टोमेटो में ऑक्सिलिक है। हम मेरे ख्याल से हमने पहले जो किया था वो किया था टेमरिंड वाला किया था, हल्दी जो होती है, ठीक है। सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड है, ठीक है। सोर मिल्क में कौन सा आ जाता है, लैक्टिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग में मेथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में भी मेथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी से टेबल पिक किया गया। अब जैसे टोमेटो से पूछ लिया पहले एक क्वेश्चन, शायद एंट स्टिंग वाला भी किया था, एंट स्टिंग से पूछ लिया कि कौन सा एसिड इसके अंदर होता है, ठीक है। विनेगर से पूछ सकते हैं सिमिलरली, ऑरेंज से पूछ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, एज इट इज क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जाता है जनरल साइंस के अंदर। तो कुछ दिक्कत नहीं है 8 चीजों को याद करने में। विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक हो गया, लेमन भी सिट्रिक हो गया, ठीक है। जो आपका टेमराइंड है वो टार्ट्रिक हो गया, टोमेटो जो है वो ऑक्सिलिक एसिड हो गया, सोर मिल्क लैक्टिक, लेमन सिट्रिक, एंट स्टिंग मेथेनोइक और नेटल स्टिंग भी मेथेनोइक। इजीली याद हो जाता है, ठीक है। साथ के साथ वीडियो के साथ ही चीजें थोड़ी बहुत याद कर लिया करो, यही मोटिव है ये छोटी छोटी क्रिस्प वीडियोज बनाने का, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल कैटलिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। हाइड्रोजनेशन अगर आप करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स का निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हुए, तो ये किस रिएक्शन का एग्जांपल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अगर साइंस की, जनरल साइंस की किताबें पढ़ी हैं 6th to 10th, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली सवाल के अंदर, ठीक है जी। तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, देखो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम हो गया या निकल हो गया, तो इट विल रिजल्ट इन टू वॉट, इट विल रिजल्ट इन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपने हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड में चेंज लेकर के आते हैं, फास्ट कर देते हैं या स्लो कर देते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट से रिएक्शन के ऊपर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां पर निकल रिएक्ट नहीं करने वाला है किसी भी वे में, ये बेसिकली स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, ठीक है। कैटलिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, ओके। नाउ दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, जहां पर आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आपने सैचुरेटेड कार्बन जो है उस हाइड्रोकार्बन जो है उसको प्रोड्यूस किया, ओके। नाउ वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स व्हाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स, ओके। वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होते हैं और एनिमल फैट में सैचुरेटेड कार्बन चेन होते हैं। अब अगर आप देखो जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हो वेजिटेबल ऑयल की, उसमें कहते हैं ना कि हमारा वेजिटेबल ऑयल हेल्दी है,
तो अगर वेजिटेबल ऑयल हेल्दी है तो इसका मतलब जो कुकिंग ऑयल है उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, क्योंकि जो एनिमल फैट होता है वो उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। इसीलिए सेचुरेटेड फैटी एसिड्स को कभी भी कंज्यूम करने को आपको एडवाइजेबल नहीं होता, या ऐसे ऑयल जिनमें सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ये भी एक एडिशनल फैक्ट है जो आपको यहाँ से पता चल जाता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है। लेक्चर नंबर 8 में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस करने के लिए, और ये जो स्लेक्ड लाइम है ये व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जब आप व्हाइट वॉशिंग के लिए स्लेक्ड लाइम को वॉल्स के ऊपर अप्लाई करोगे, तब ये स्लेक्ड लाइम रिएक्ट करेगा ए कंपोनेंट के साथ एयर में टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कंपोनेंट बी। स्लेक्ड लाइम विल रिएक्ट विद ए टू फॉर्म बी, जिसकी वजह से वॉल के ऊपर शाइनी फिनिश आएगा। आपको बताना था ए और बी क्या है, ठीक है। सीधा सा सवाल था, हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 8 में। आंसर क्या था? आंसर था डी, ठीक है। तो स्लेक्ड लाइम किससे रिएक्ट करेगा? CO2 से रिएक्ट करेगा, और किस चीज का कॉम्पोनेंट फॉर्म करेगा? CaCO3 का। ये हमने इसका सोल्यूशन भी देखा था, ठीक है जी। तो ये CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्टीमेटली प्रोड्यूस कर रहा है स्लेक्ड लाइम, जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो। साथ के साथ काफी ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम है, इसको यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के लिए। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो ये स्लेक्ड लाइम है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ, जो एयर में प्रेजेंट है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन की वजह से क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा ऑन द वॉल्स, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है ये शाइनी फिनिश देगा। ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, लेक्चर 8 में हमने कर लिया, कुछ अभी तक हमने नया नहीं देखा। अब क्वेश्चन देखो दोबारा से, ये क्वेश्चन एनडीए के पेपर में आ गया, मिलता जुलता टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। सो द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम CaO, अब क्या कह रहा है? क्विक लाइम का रिएक्शन जो पानी के साथ हुआ, स्लेक लाइम उसमें प्रोड्यूस हुआ, सेम बात बोली। अब ये कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन? ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या फिर डी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ये बताना है आपने। सीधा सा सवाल है कि ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। अभी हमने ये रिएक्शन देखा था ना, क्विक लाइम और H2O रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम, ठीक है जी। तो आपसे ये रिएक्शन का टाइप पूछ रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? आंसर होगा इस केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझते हैं आप इसको, दोबारा से ये इक्वेशन देखो, CaO और H2O रिएक्ट कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रही है काफी ज्यादा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो कंपाउंड कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो कंपाउंड कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं CaOH2। हीट कोई प्रोडक्ट तो नहीं है ना, ठीक है, हीट कोई कंपाउंड तो नहीं है ना, दो कंपाउंड H2O और CaO दो कंपाउंड है, हीट कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो एक कंपाउंड बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम, इसको आप बोलते हो, ठीक है। अब ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दो रिएक्टेंट्स की वजह से, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप कहोगे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आपका ऑप्शन में ही नहीं था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ऑप्शन में ही नहीं था, क्या ये क्वेश्चन गलत हो गया? क्वेश्चन में तो आपने कहा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका आंसर है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्वेश्चन में ही नहीं था, ऑप्शन में ही नहीं था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कोई अगर दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक टाइप का रिएक्शन बना रहे हैं। अब देखो, अब इस इक्वेशन को दोबारा से देखो, इस इक्वेशन पे दोबारा से नजरें लेकर के आओ। एक तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, दूसरी हीट प्रोड्यूस हो रही है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, ठीक है, काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से जो ये स्लेक्ड लाइम होगा ये भी वार्म हो जाएगा, गर्म होगा, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के समय, उसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, उसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है आपका, जिसमें क्विक लाइम और H2O रिएक्ट करके आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं,
ये दो टाइप का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रहा है और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। अब क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं दोबारा जाऊं, इस क्वेश्चन में अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जगह कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख दिया होता तो बच्चे कहते सर ने तो, जिन्होंने रटा रटाया होगा सिर्फ, ठीक है, ऑनलाइन आंसर देख के रट लिया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो कहेंगे यार ये तो क्वेश्चन ही गलत आ गया, इसमें तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे पेपर में, पेपर में बैठ के वो ये सोचेंगे इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, जबकि उसकी नैया डूब जाएगी, उसका दो नंबर का नुकसान हो गया, ठीक है, और जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको एडवांटेज होगी, ठीक है जी। तो इसीलिए कंसेप्ट को समझना जरूरी होता है, नहीं तो हम फंस जाते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता था कि द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम CO विद वाटर, ठीक है, यहां पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन की जगह मैं लिख देता एक्सोथर्मिक, ठीक है, और ये इसको ABCD की जगह मैं कर देता हूं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो नीचे पूछ लूंगा रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1, 2, 3, 4, विच इज करेक्ट, ओके। फिर मैं ABCD ऑप्शंस बना दूंगा 1, 2, 3, 4, बी 1 and 2 ओनली, सी 3 and 4 ओनली, एंड डी मैं बना दूंगा 1 and 4। इस तरह से मैं क्वेश्चन बना दूंगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन गया, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन एक कंसेप्ट के अंदर से क्वेश्चन बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, जो बच्चे ये कहते हैं ना कि UPSC तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन तो उसी कंसेप्ट के अंदर से बनने हैं ना। अगर क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन बनना तो उसी कंसेप्ट में से है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप, ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, तारे टिमटिमाते हैं आसमान में, चमकते हैं वो, टिम 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 करते हैं, ब्राइट हो जाते हैं कभी, फिर रोशनी हल्की होती है, हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं, वो क्यों होता है? बेसिक क्वेश्चन देखो कितना, मैंने आपको बताया जनरल साइंस के जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो डे टू डे लाइफ पे आते हैं, डे टू डे लाइफ के ऊपर आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन UPSC के एग्जाम में। कुछ होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, काफी ज्यादा डीप होते हैं साइंस में, ओके। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस वजह से होता है? ऑप्शन ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्टारलाइट, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट फ्रॉम द ओशियनिक सरफेस, समंदर के पानी से रिफ्लेक्ट होकर के आती है, इसी वजह से ट्विंकलिंग होती है, ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन, ऑप्शन डी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, अगर किसी ने बचपन में भी थोड़ी बहुत साइंस ध्यान से पढ़ी है तो इजीली आंसर कर देगा, है ना। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, काफी बच्चे ना ये एक्सक्यूज देते हैं सर मेरा ना ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, मैं तो BCOM पढ़ रहा था 11th-12th में, मैं तो आर्ट्स पढ़ रहा था, BA कर रहा था, मेरे को कैसे आएगी साइंस? बेटा ये 6th to 10th की साइंस है, सबके लिए कंपलसरी है अगर आपने CBSE से किया है, बाकी मेरे को नहीं पता और बोर्ड्स वगैरह का, CBSE में तो डेफिनेटली होती है साइंस, ओके। सो आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन ऑफ स्टारलाइट से आपकी जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ओके। सो द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन ऑफ स्टारलाइट। अब होता क्या है, स्टारलाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो कंटिन्यूअसली रिफ्रेक्शन उसका होता है लाइट का, इससे पहले वो अर्थ के ऊपर आपकी आंखों में पहुंचे उससे पहले उसका काफी बार रिफ्रेक्शन जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब इस रिफ्रेक्शन की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, वो स्टार लाइट को थोड़ा सा बेंड कर देता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी वजह से अगर ये आप खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप खड़े हो, अगर स्टार यहां पर है ना यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में अगर स्टार यहां पर है, आपको ये स्टार यहां पर नहीं दिखेगा, आपको ये स्टार यहां पर दिखेगा, ठीक है, आपको स्टार जो है यहां पर दिखेगा। तो जो जिस पोजीशन पे आपको स्टार दिख रहा है उसको बोलते हैं अपेरेंट स्टार पोजीशन, ये रियल पोजीशन नहीं है स्टार की, रियल पोजीशन तो स्टार की ये है, क्योंकि लेकिन रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है इसी वजह से आपको स्टार जो है दूसरी पोजीशन पे दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा, और इस पोजीशन को क्या कहा जाता है, अपेरेंट पोजीशन, ओके। ऑलराइट, सो द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होरिजन। अब होता क्या है, जनरली ये apparent position जो है ये भी stationary नहीं है, ये continuously change होती रहती है। अब हमने कहा कि earth के atmosphere की वजह से refraction of light हो रहा है, अब refraction of light हो रहा है अगर earth के atmosphere की वजह से, तो atmosphere earth का stationary नहीं है, क्योंकि earth के atmosphere की physical condition जो है change होती रहती है, atmosphere में बादल भी है, dust भी है, सब कुछ है, which is ultimately playing role in refraction,
गैसेस भी हैं. ओके, सो फिजिकल कंडीशन क्योंकि एटमॉस्फेयर की चेंज होती रहती है, इसी वजह से ये अपेरेंट पोजीशन भी चेंज होती रहती है. ये अपेरेंट पोजीशन भी स्टेशनरी नहीं है. ठीक है, अब तारा है बहुत दूर, ठीक है, स्टार है बहुत दूर, आप वो जो शाइन जो लाइट दिख रही है इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम यू. ओके, पॉइंट साइज सोर्स आपको इसीलिए लाइट का दिखता है एंड लाइट कंटिन्यूअसली जो है वो रिफ्रेक्ट कर रही है. इसी वजह से क्योंकि अपेरेंट पोजीशन जो है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसी वजह से हमें क्या लगता है कि स्टार इज ट्विंकलिंग. ठीक है, कभी वो स्टार ब्राइट दिखेगा, कभी वो स्टार जो है थोड़ा सा हमें डिम दिखेगा एंड अल्टीमेटली हमें क्या लगता है कि जो स्टार है वो फ्लिकर कर रहा है, वो ट्विंकल कर रहा है एंड दिस इज द रीजन कि स्टार जो है अल्टीमेटली ट्विंकलिंग करता है. सो सारा फंडा किससे कनेक्टेड है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन से. अच्छा देखो, अब इसमें क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी, ये जो पोजीशन वाला फंडा है इसमें से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी स्टार को देख रहे हो, सो आप यू आर व्यूइंग इज अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार. सो जो अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार है वो सेम है जो ओरिजिनल पोजीशन है, वो इट इज अबव द ओरिजिनल पोजीशन, स्लाइटली हायर है, स्लाइटली लोअर है, नन ऑफ द अबव, इस तरह से भी वो क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है. तो क्वेश्चन फॉर्म सेम कंसेप्ट के अंदर से मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो फॉर्म किए जा सकते हैं. मेन मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ यहाँ पर. ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर फिर प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते? देखो, एक तो प्लैनेट जो है वो क्लोजर है अर्थ के, स्टार तो बहुत ज्यादा दूर है ना, अर्थ के क्लोजर है. ऊपर से प्लैनेट की खुद की लाइट तो होती नहीं, वो तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ओके, सो क्योंकि वो क्लोजर है एंड उनकी पोजीशन ऐसे चेंज नहीं होती है, और उनकी जो लाइट है जो वो अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती, तो रिफ्लेक्शन इतना लार्ज नहीं होता. ऑलराइट, एंड दैट इज व्हाई इट डज नॉट अपीयर कि प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं. ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है इसका देसी भाषा में. ओके, चलो. ऑलराइट गाइस, तो यहां पर हमारा ये जो है 5 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं. आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसके अंदर. सिर्फ 5 क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर मेरे साथ चलोगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है. ठीक है, अगर आप मेरे साथ चलते हुए सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करोगे, आपने कंसेप्ट काउंट करने हैं और आपने ये देखना है कि इससे मेरे को कितने क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी, तो उससे क्या है आपको भी इंटरेस्ट जुड़ेगा मेरे साथ जुड़े रहने का. एंड चैनल को आपने देखिए शेयर जरूर करना है मैक्सिमम. देखिए आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, जो मेरा आइडिया जो रेगुलर बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं दे आर नॉट शेयरिंग द चैनल. ओके, चैनल को शेयर करना, देखो इसमें डायरेक्ट जो फायदा है, प्रॉफिट है, वो मेरा है. आपका क्यों है? आपका भी है, दोनों का है. मेरा क्यों है? मेरा क्योंकि मैं इससे क्या रहूँगा, मोटिवेटेड रहूँगा टू पुट मोर एंड मोर कंटेंट. और आपका फ़ायदा क्या है? अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कंटेंट और ज़्यादा इम्प्रूव होगा. जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा कंटेंट इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि और ज़्यादा सजेशंस आते हैं, और ज़्यादा गलतियाँ टीचर को पता चलती हैं कि यार ये चीज़ मैंने गलत पढ़ा दी, या ये चीज़ मैं इस तरीके से पढ़ा सकता था. ठीक है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपने करना है. और मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.